आदरणीय राहुल गांधी जी को आमंत्रित करते हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। बैठ जाइए, बैठ जाइए। मोहन प्रकाश जी, तेजस्वी यादव जी, अखिलेश सिंह जी, शकील अहमद खान जी, मुकेश सहनी जी, हमारे गठबंधन के कैंडिडेट्स श्री अजीत शर्मा जी, जनाब तारिक अनवर साहब, श्रीमती बीमा भारती जी, मोहम्मद जावेद साहब और श्री जयप्रकाश यादव जी, गठबंधन के हमारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चुनाव है और एक तरफ गठबंधन कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और इंडिया गठबंधन, और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी और हिंदुस्तान के 3-4 अरबपति। देखिए, ये जो चुनाव है ये संविधान को बचाने का चुनाव है। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडिया गठबंधन लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। आज तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों को जो मिला है, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को जो मिला है, वो संविधान से मिला है। अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो जो भी प्रगति हुई है, गरीबों के लिए जो भी किया गया है, वो सब बंद हो जाएगा। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं, 2-3 आंकड़े देना चाहता हूं। आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। आप सोचिए, एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग। हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में 70 करोड़ लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनकी आमदनी 100 रुपए से कम है। एक तरफ अंबानी, अदानी, देश का पूरा धन उनको दिया जाता है, और दूसरी तरफ देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी। और ये 10 साल से नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कभी आपका ध्यान इधर ले जाएंगे, कभी आपका ध्यान उधर ले जाएंगे, और जब आप इधर उधर देखोगे, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का धन वही 5-10-15 लोगों को पकड़ाते जाते हैं। नाम आपने सुने, अदानी, अंबानी। अदानी जी को देखिए, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, सब पोर्ट, पावर, बिजली, खदानें, सोलर पावर, विंड पावर, डिफेंस, सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी को पकड़ा दिया है। तो अब सवाल उठता है, हमारा गठबंधन क्या करने जा रहा है? देखिए, ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी कहना चाहे कह लो,
150 से एक ज्यादा नहीं आने वाली। अब हमारा गठबंधन क्या करेगा मैं आपको सीधा बता देता हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया मतलब जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, आपको याद होगा, याद है ना, जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया, अगर आप उसको 25 बार माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 4-5-10 उद्योगपतियों को दिया है कर्जा माफ करके। 25 साल का मनरेगा का पैसा उनका माफ हुआ है। तो अब गठबंधन ने निर्णय ले लिया है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को दिया, उतना ही पैसा इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी गरीबों को देने जा रही है। हमारी पहली योजना महालक्ष्मी योजना, हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट निकालेंगे, हर परिवार में से एक महिला चुनी जाएगी और उस महिला के बैंक अकाउंट में सीधा कांग्रेस पार्टी साल का 1 लाख रुपया, महीना का 8,500 रुपए डाल देगी। खटाखट हर महीने 8,500 रुपए। पैसा महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा, मगर परिवार के लिए उसका प्रयोग होगा। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को बेरोजगारी का सेंटर बना रखा है। जहां भी आप देखो, किसी भी युवा से पूछो क्या करते हो, कहते हैं कुछ नहीं करते। 7-8 घंटे इंस्टाग्राम फेसबुक पे बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देश में बेरोजगारी फैला दी है सब जगह। जो लोग रोजगार देते थे उनको नोटबंदी और गलत जीएसटी से नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया। नतीजा यह है कि आज हिंदुस्तान में रोजगार पैदा नहीं हो सकता। अब जो अमीर घर के बेटे होते हैं, रोजगार के मार्केट में घुसने के लिए उनका तरीका होता है, उनको 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलती है, टेम्पररी नौकरी मिलती है, उनकी ट्रेनिंग होती है और उनको पैसा मिलता है। मगर यह सुविधा हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलती। अप्रेंटिसशिप अरबपति के बेटे कर सकते हैं, बड़े बड़े अमीर लोगों के बेटे कर सकते हैं, मगर हमारा जो युवा है, बेरोजगार युवा है, वो नहीं कर सकता। तो हमारी दूसरी योजना, जिसको हमने पहली नौकरी पक्की कहा है, अब पहली नौकरी पक्की का मतलब बता देता हूं। हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, सारे के सारों को हम एक अधिकार देने जा रहे हैं, अप्रेंटिसशिप का अधिकार। ताली बजाओ थोड़ा और, अभी मैं आपको समझाऊंगा, फिर देखना। अप्रेंटिसशिप का अधिकार मतलब हिंदुस्तान के हर युवा को पहली नौकरी का अधिकार हमारी अगली सरकार देने जा रही है। जैसे मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया, वैसे ही हम ग्रेजुएट को पहली नौकरी का अधिकार देंगे। पहली नौकरी का अधिकार का मतलब हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, उन सबको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी, 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का
खटाखट 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 उनके बैंक अकाउंट में जाएगा, उनकी ट्रेनिंग होगी, और अगर पहले साल उन्होंने अच्छा काम किया तो उनको परमानेंट नौकरी मिलेगी। ये जो अप्रेंटिसशिप वाली नौकरियां होंगी ये प्राइवेट सेक्टर में होंगी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में होंगी, सरकार में होंगी, तो करोड़ों युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी, हिंदुस्तान को एक वर्कफोर्स मिलेगी, ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी, और हमारे जो युवा हैं जो आज सड़कों पर घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1,00,000 रुपया 8,500 रुपए महीने का ठका ठक हमारी सरकार डालेगी। आपने देखा होगा किसान नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हैं, वो गलत कानून लाए, किसानों के खिलाफ काले कानून लाए, किसान खड़े हुए, इंडिया गठबंधन वाली पार्टी खड़ी हुई, और नरेंद्र मोदी को वो कानून रद्द करने पड़े। अब हम किसानों को दो गारंटी दे रहे हैं, सबसे पहले अगर नरेंद्र मोदी अरबपतियों का कर्जा माफ कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ करने जा रही है, इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ कर्जा माफ करने जा रहा है, और दूसरा बाकी लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के लिए सही दाम मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में जो भी बेचती हैं उन्हें सही दाम मिलता है, किसान को सही दाम नहीं मिलता। किसान सिर्फ मिनिमम सपोर्ट प्राइस अपने अनाज के लिए, धान के लिए सही दाम मांग रहा है। हम हिंदुस्तान के किसान को गारंटीड कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रहे हैं, उसको अपने धान के लिए, शुगर केन के लिए मार्केट रेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगी, सही दाम उसको मिलने जा रहा है। और आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने सेना के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ अग्निवीर योजना लागू की है। यह योजना हिंदुस्तान के किसी युवा को नहीं अच्छी लगती, जैसे ही हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को दो तरीके के शहीद नहीं चाहिए, एक शहीद चाहिए, एक तरीके का शहीद चाहिए। शहीद का दर्जा सबको मिले, पेंशन सबको मिले, कैंटीन सबको मिले, दो अलग अलग तरीके के जवान नहीं चाहिए हमें, इसलिए अग्निवीर योजना को उठा के फेंक देंगे, जैसे पहले होता था वैसे करेंगे। इन्होंने 5 अलग तरीके की जीएसटी बना रखी है, ये जीएसटी को हम बदलेंगे, एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा। और आखिरी बात, हमारे जो मनरेगा का काम करते हैं, आशा आंगनवाड़ी का काम करते हैं, सीधा मैं आपको बता देता हूं, जो आशा और आंगनवाड़ी का काम कर रहे हैं उनकी जो आमदनी है उसको हम दुगना करने जा रहे हैं, और जो मिनिमम वेज है हिंदुस्तान में उसको हम 400 रुपए, कम से कम 400 रुपए का बनाने जा रहे हैं, मनरेगा मजदूरों को 400 रुपए मिलने जा रहा है। अब आप हमारे जो 5 कैंडिडेट्स हैं, अजीत शर्मा जी, तारिक अनवर साहब, बीमा भारती जी, जावेद साहब और जयप्रकाश यादव जी का पूरा समर्थन कीजिए, भारी बहुमत से इनको जिताइए और इंडिया गठबंधन की आप सरकार बनाइए। आप सबका दिल से धन्यवाद, नमस्कार। सम्मानित करने के लिए जिलाध्यक्ष परवेज जमाल साहब, चंद्रशेखर यादव जी, राजेश सिंह जी, राजेश मिश्रा जी, प्रवीण सिंह कुशवाहा जी, अमित आनंद जी, तरुण पासवान जी, बंटी चौधरी जी, त्रिपति नाथ जी, हमारे भाई पासवान जी, आप तमाम साथियों से निवेदन है एक बार जोरदार तालियों के साथ आपकी दोनों हाथें ऊपर उठी होने चाहिए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते रहे, साथ साथ आपका आशीर्वाद इन तमाम जो हमारे प्रत्याशी है उनको निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। बिहार के लोकप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से सभी नेताओं की तरफ से आदरणीय राहुल गांधी जी का और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, मुकेश सहनी जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मित्रों,
समय कम है, राहुल गांधी जी को अमरोहा भी पहुंचना है। हम सीधे तौर पर तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आमंत्रित करते हैं कि कम समय में आके। अखिलेश सिंह जी, शकील अहमद खान जी, मुकेश सहनी जी, हमारे गठबंधन के कैंडिडेट्स श्री अजीत शर्मा जी, जनाब तारिक अनवर साहब, श्रीमती बीमा भारती जी, मोहम्मद जावेद साहब और श्री जयप्रकाश यादव जी, गठबंधन के हमारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चुनाव है और एक तरफ गठबंधन कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और इंडिया गठबंधन, और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी और हिंदुस्तान के 3-4 अरबपति। देखिए, ये जो चुनाव है ये संविधान को बचाने का चुनाव है। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडिया गठबंधन लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। आज तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों को जो मिला है, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को जो मिला है, वो संविधान से मिला है। अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो जो भी प्रगति हुई है, गरीबों के लिए जो भी किया गया है, वो सब बंद हो जाएगा। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं, 2-3 आंकड़े देना चाहता हूं। आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। आप सोचिए, एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग। हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में 70 करोड़ लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनकी आमदनी 100 रुपए से कम है। एक तरफ अंबानी, अदानी, देश का पूरा धन उनको दिया जाता है, और दूसरी तरफ देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी। और ये 10 साल से नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कभी आपका ध्यान इधर ले जाएंगे, कभी आपका ध्यान उधर ले जाएंगे, और जब आप इधर उधर देखोगे, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का धन वही 5-10-15 लोगों को पकड़ाते जाते हैं। नाम आपने सुने, अदानी, अंबानी। अदानी जी को देखिए, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, सब पोर्ट, पावर, बिजली, खदानें, सोलर पावर, विंड पावर, डिफेंस, सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी को पकड़ा दिया है। तो अब सवाल उठता है, हमारा गठबंधन क्या करने जा रहा है? देखिए, ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी कहना चाहे कह लो, 150 से एक ज्यादा नहीं आने वाली। अब हमारा गठबंधन क्या करेगा, मैं आपको सीधा बता देता हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया मतलब जितना
हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, आपको याद होगा, याद है ना, जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया, अगर आप उसको 25 बार माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 4-5-10 उद्योगपतियों को दिया है कर्जा माफ करके। 25 साल का मनरेगा का पैसा उनका माफ हुआ है। तो अब गठबंधन ने निर्णय ले लिया है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को दिया, उतना ही पैसा इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी गरीबों को देने जा रही है। हमारी पहली योजना महालक्ष्मी योजना, हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट निकालेंगे, हर परिवार में से एक महिला चुनी जाएगी और उस महिला के बैंक अकाउंट में सीधा कांग्रेस पार्टी साल का 1,00,000 रुपया, महीना का 8,500 रुपए डाल देगी। खटाखट 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 हर महीने 8,500 रुपए। पैसा महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा, मगर परिवार के लिए उसका प्रयोग होगा। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को बेरोजगारी का सेंटर बना रखा है। जहां भी आप देखो, किसी भी युवा से पूछो क्या करते हो, कहते हैं कुछ नहीं करते। 7-8 घंटे इंस्टाग्राम फेसबुक पे बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देश में बेरोजगारी फैला दी है सब जगह। जो लोग रोजगार देते थे उनको नोटबंदी और गलत जीएसटी से नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया। नतीजा यह है कि आज हिंदुस्तान में रोजगार पैदा नहीं हो सकता। अब जो अमीर घर के बेटे होते हैं, रोजगार के मार्केट में घुसने के लिए उनका तरीका होता है, उनको 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलती है, टेम्पररी नौकरी मिलती है, उनकी ट्रेनिंग होती है और उनको पैसा मिलता है। मगर यह सुविधा हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलती। अप्रेंटिसशिप अरबपति के बेटे कर सकते हैं, बड़े बड़े अमीर लोगों के बेटे कर सकते हैं, मगर हमारा जो युवा है, बेरोजगार युवा है, वो नहीं कर सकता। तो हमारी दूसरी योजना, जिसको हमने पहली नौकरी पक्की कहा है, अब पहली नौकरी पक्की का मतलब बता देता हूं। हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, सारे के सारों को हम एक अधिकार देने जा रहे हैं, अप्रेंटिसशिप का अधिकार। ताली बजाओ थोड़ा और, अभी मैं आपको समझाऊंगा, फिर देखना। अप्रेंटिसशिप का अधिकार मतलब हिंदुस्तान के हर युवा को पहली नौकरी का अधिकार हमारी अगली सरकार देने जा रही है। जैसे मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया, वैसे ही हम ग्रेजुएट्स को पहली नौकरी का अधिकार देंगे। पहली नौकरी का अधिकार का मतलब हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, उन सबको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी, 1,00,000 रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का, खटाखट 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 उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। उनकी ट्रेनिंग होगी और अगर पहले साल उन्होंने अच्छा काम किया तो उनको परमानेंट नौकरी मिलेगी। ये जो अप्रेंटिसशिप वाली नौकरियां होंगी, ये प्राइवेट सेक्टर में होंगी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में होंगी, सरकार में होंगी। तो करोड़ों युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी, हिंदुस्तान को एक वर्कफोर्स मिलेगी, ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी,
और हमारे जो युवा हैं जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1,00,000 रुपया 8,500 रुपए महीने का ठका ठक हमारी सरकार डालेगी। आपने देखा होगा किसान नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हैं, वो गलत कानून लाए, किसानों के खिलाफ काले कानून लाए, किसान खड़े हुए, इंडिया गठबंधन वाली पार्टी खड़ी हुई और नरेंद्र मोदी को वो कानून रद्द करने पड़े। अब हम किसानों को दो गारंटी दे रहे हैं, सबसे पहले अगर नरेंद्र मोदी अरबपतियों का कर्जा माफ कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ करने जा रही है, इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ कर्जा माफ करने जा रहा है, और दूसरा बाकी लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के लिए सही दाम मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में जो भी बेचती हैं उन्हें सही दाम मिलता है, किसान को सही दाम नहीं मिलता। किसान सिर्फ मिनिमम सपोर्ट प्राइस अपने अनाज के लिए, धान के लिए सही दाम मांग रहा है। हम हिंदुस्तान के किसान को गारंटीड कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रहे हैं, उसको अपने धान के लिए, शुगर केन के लिए मार्केट रेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगी, सही दाम उसको मिलने जा रहा है। और आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने सेना के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ अग्निवीर योजना लागू की है। ये योजना हिंदुस्तान के किसी युवा को नहीं अच्छी लगती, जैसे ही हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान को दो तरीके के शहीद नहीं चाहिए, एक शहीद चाहिए, एक तरीके का शहीद चाहिए। शहीद का दर्जा सबको मिले, पेंशन सबको मिले, कैंटीन सबको मिले, दो अलग अलग तरीके के जवान नहीं चाहिए हमें, इसलिए अग्निवीर योजना को उठा के फेंक देंगे, जैसे पहले होता था वैसे करेंगे। इन्होंने 5 अलग तरीके की जीएसटी बना रखी है, ये जीएसटी को हम बदलेंगे, एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा। और आखिरी बात, हमारे जो मनरेगा का काम करते हैं, आशा आंगनवाड़ी का काम करते हैं, सीधा मैं आपको बता देता हूं, जो आशा और आंगनवाड़ी का काम कर रहे हैं उनकी जो आमदनी है उसको हम दुगना करने जा रहे हैं, और जो मिनिमम वेज है हिंदुस्तान में उसको हम 400 रुपए, कम से कम 400 रुपए का बनाने जा रहे हैं। मनरेगा मजदूरों को 400 रुपए मिलने जा रहा है। अब आप हमारे जो 5 कैंडिडेट्स हैं, अजीत शर्मा जी, तारिक अनवर साहब, बीमा भारती जी, जावेद साहब और जयप्रकाश यादव जी का पूरा समर्थन कीजिए, भारी बहुमत से इनको जिताइए और इंडिया गठबंधन की आप सरकार बनाइए। आप सबका दिल से धन्यवाद, नमस्कार। सम्मानित करने के लिए जिलाध्यक्ष परवेज जमाल साहब, चंद्रशेखर यादव जी, राजेश सिंह जी, राजेश मिश्रा जी, प्रवीण सिंह कुशवाहा जी, अमित आनंद जी, तरुण पासवान जी, बंटी चौधरी जी, अखिलेश सिंह जी, शकील अहमद खान जी, मुकेश सहनी जी, हमारे गठबंधन के कैंडिडेट्स श्री अजीत शर्मा जी, जनाब तारिक अनवर साहब, श्रीमती बीमा भारती जी, मोहम्मद जावेद साहब और श्री जयप्रकाश यादव जी, गठबंधन के हमारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चुनाव है और एक तरफ गठबंधन कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और इंडिया गठबंधन, और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी और हिंदुस्तान के 3-4 अरबपति। देखिए, ये जो चुनाव है ये संविधान को बचाने का चुनाव है। आरएसएस के लोग
बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडिया गठबंधन लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। आज तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों को जो मिला है, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को जो मिला है, वो संविधान से मिला है। अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो जो भी प्रगति हुई है, गरीबों के लिए जो भी किया गया है, वो सब बंद हो जाएगा। मैं आपको दो तीन उदाहरण देना चाहता हूं, दो तीन आंकड़े देना चाहता हूं। आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। आप सोचिए, एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग। हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में 70 करोड़ लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनकी आमदनी 100 रुपए से कम है। एक तरफ अंबानी, अदानी, देश का पूरा धन उनको दिया जाता है, और दूसरी तरफ देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी। और ये 10 साल से नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कभी आपका ध्यान इधर ले जाएंगे, कभी आपका ध्यान उधर ले जाएंगे, और जब आप इधर उधर देखोगे, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का धन वही 5-10-15 लोगों को पकड़ाते जाते हैं। नाम आपने सुने, अदानी, अंबानी। अदानी जी को देखिए, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, सब पोर्ट, पावर, बिजली, खदाने, सोलर पावर, विंड पावर, डिफेंस, सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी को पकड़ा दिया है। तो अब सवाल उठता है, हमारा गठबंधन क्या करने जा रहा है? देखिए, ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी कहना चाहे कह लो, 150 से एक ज्यादा नहीं आने वाली। अब हमारा गठबंधन क्या करेगा, मैं आपको सीधा बता देता हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया मतलब जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, आपको याद होगा, याद है ना, जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया, अगर आप उसको 25 बार माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 4-5-10 उद्योगपतियों को दिया है कर्जा माफ करके। 25 साल का मनरेगा का पैसा उनका माफ हुआ है। तो अब गठबंधन ने निर्णय ले लिया है, जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को दिया, उतना ही पैसा इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी गरीबों को देने जा रही है। हमारी पहली योजना महालक्ष्मी योजना, हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट निकालेंगे, हर परिवार में से एक महिला चुनी जाएगी और उस महिला के बैंक अकाउंट में सीधा कांग्रेस पार्टी साल का 1 लाख रुपया, महीना का 8,500 रुपए डाल देगी। खटाखट हर महीने 8,500 रुपए। पैसा महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा, मगर
परिवार के लिए उसका प्रयोग होगा। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान को बेरोजगारी का सेंटर बना रखा है। जहां भी आप देखो, किसी भी युवा से पूछो क्या करते हो, कहते हैं कुछ नहीं करते। 7-8 घंटे इंस्टाग्राम फेसबुक पे बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देश में बेरोजगारी फैला दी है सब जगह। जो लोग रोजगार देते थे उनको नोटबंदी और गलत जीएसटी से नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया। नतीजा यह है कि आज हिंदुस्तान में रोजगार पैदा नहीं हो सकता। अब जो अमीर घर के बेटे होते हैं, रोजगार के मार्केट में घुसने के लिए उनका तरीका होता है, उनको 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलती है, टेम्पररी नौकरी मिलती है, उनकी ट्रेनिंग होती है और उनको पैसा मिलता है। मगर यह सुविधा हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिलती। अप्रेंटिसशिप अरबपति के बेटे कर सकते हैं, बड़े बड़े अमीर लोगों के बेटे कर सकते हैं, मगर हमारा जो युवा है, बेरोजगार युवा है, वो नहीं कर सकता। तो हमारी दूसरी योजना, जिसको हमने पहली नौकरी पक्की कहा है, अब पहली नौकरी पक्की का मतलब बता देता हूं। हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, सारे के सारों को हम एक अधिकार देने जा रहे हैं, अप्रेंटिसशिप का अधिकार। ताली बजाओ थोड़ा और, अभी मैं आपको समझाऊंगा, फिर देखना। अप्रेंटिसशिप का अधिकार मतलब हिंदुस्तान के हर युवा को पहली नौकरी का अधिकार हमारी अगली सरकार देने जा रही है। जैसे मनरेगा में रोजगार का अधिकार दिया, वैसे ही हम ग्रेजुएट को पहली नौकरी का अधिकार देंगे। पहली नौकरी का अधिकार का मतलब हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, उन सबको 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी, 1,00,000 रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का, खटाखट उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। उनकी ट्रेनिंग होगी और अगर पहले साल उन्होंने अच्छा काम किया तो उनको परमानेंट नौकरी मिलेगी। ये जो अप्रेंटिसशिप वाली नौकरियां होंगी, ये प्राइवेट सेक्टर में होंगी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में होंगी, सरकार में होंगी। तो करोड़ों युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी, हिंदुस्तान को एक वर्कफोर्स मिलेगी, ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी। और हमारे जो युवा हैं, जो आज सड़कों पर घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1,00,000 रुपया, 8,500 रुपए महीने का, ठका ठक हमारी सरकार डालेगी। आपने देखा होगा किसान नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हैं, वो गलत कानून लाए, किसानों के खिलाफ काले कानून लाए, किसान खड़े हुए, इंडिया गठबंधन वाली पार्टी खड़ी हुई और नरेंद्र मोदी को वो कानून रद्द करने पड़े। अब हम किसानों को दो गारंटी दे रहे हैं। सबसे पहले, अगर नरेंद्र मोदी अरबपतियों का कर्जा माफ कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ करने जा रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ कर्जा माफ करने जा रहा है। और दूसरा, बाकी लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के लिए सही दाम मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में जो भी बेचती हैं उन्हें सही दाम मिलता है, किसान को सही दाम नहीं मिलता। किसान सिर्फ मिनिमम सपोर्ट प्राइस अपने अनाज के लिए, धान के लिए सही दाम मांग रहा है। हम हिंदुस्तान के किसान को गारंटीड कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रहे हैं। उसको अपने धान के लिए, शुगर केन के लिए मार्केट रेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगी, सही दाम उसको मिलने जा रहा है। और आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने सेना के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ अग्निवीर योजना लागू की है।
ये योजना हिंदुस्तान के किसी युवा को नहीं अच्छी लगती। जैसे ही हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को दो तरीके के शहीद नहीं चाहिए, एक शहीद चाहिए, एक तरीके का शहीद चाहिए। शहीद का दर्जा सबको मिले, पेंशन सबको मिले, कैंटीन सबको मिले। दो अलग अलग तरीके के जवान नहीं चाहिए हमें, इसलिए अग्निवीर योजना को उठा के फेंक देंगे। जैसे पहले होता था वैसे करेंगे। इन्होंने 5 अलग तरीके की जीएसटी बना रखी है। ये जीएसटी को हम बदलेंगे, एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा। और आखिरी बात, हमारे जो मनरेगा का काम करते हैं, आशा आंगनवाड़ी का काम करते हैं, सीधा मैं आपको बता देता हूं, जो आशा और आंगनवाड़ी का काम कर रहे हैं उनकी जो आमदनी है उसको हम दुगना करने जा रहे हैं, और जो मिनिमम वेज है हिंदुस्तान में उसको हम 400 रुपए, कम से कम 400 रुपए का बनाने जा रहे हैं। मनरेगा मजदूरों को 400 रुपए मिलने जा रहा है। अब आप हमारे जो 5 कैंडिडेट्स हैं, अजीत शर्मा जी, तारिक अनवर साहब, बीमा भारती जी, जावेद साहब और जयप्रकाश यादव जी का पूरा समर्थन कीजिए, भारी बहुमत से इनको जिताइए और इंडिया गठबंधन की आप सरकार बनाइए। आप सबका दिल से धन्यवाद, नमस्कार। सम्मानित करने के लिए जिलाध्यक्ष परवेज जमाल साहब, चंद्रशेखर यादव जी, राजेश सिंह जी, राजेश मिश्रा जी, प्रवीण सिंह कुशवाहा जी, अमित आनंद जी, तरुण पासवान जी, बंटी चौधरी जी, त्रिपति नाथ जी, हमारे भाई पासवान जी, आप तमाम साथियों से निवेदन है, एक बार जोरदार तालियों के साथ आपकी दोनों हाथें ऊपर उठी होने चाहिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते रहे, साथ साथ आपका आशीर्वाद इन तमाम जो हमारे प्रत्याशी है उनको निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। बिहार के लोकप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से